अध्यापकों को मैनेजमेंट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हर स्वतंत्रता दिवस पर हम कोई ना कोई विचार आप सबके सामने रखते हैं और आज का जो विचार है वो दो मुद्दों पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पहला है पर्यावरण, कि हम सब इस स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय के पर्यावरण को अच्छे से भली भांति पूर्वक इतना हरा भरा बनाएंगे कि आने वाले दिन जब आप सब विद्यालय छोड़ के चले जाएंगे, मैं भी और कुछ शिक्षक भी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हम सबको याद करेंगी एक हरा भरा बाल भारती विद्यालय का प्रांगण। और दूसरा, आज 1 बजे तक तो सब कुछ बंद है, पर 1 बजे के बाद जब आप अपने माता पिता के साथ घूमने निकलते हैं और चौराहे पे देखते हैं कि छोटे छोटे गरीब बच्चे राष्ट्रीय ध्वज कागज का बना हुआ बेच रहे हैं, तो उसे ना खरीदें, क्योंकि अगले दिन वही राष्ट्रीय ध्वज आप सबको कूड़े में मिलता है या कूड़ेदान में मिलता है। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सो आइए प्रण करते हैं कि रास्ते पे बिकता हुआ राष्ट्रीय ध्वज हम नहीं खरीदेंगे, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। और इसी के साथ, इसी प्रेरणा के साथ, इसी ओथ के साथ हम सब एक साथ मिलके बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद। और मुझे बहुत खुशी है कि विद्यालय के 2557 बच्चों में से आज जो बच्चे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हैं, मैं उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस सही मायनों में आज उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन किया है, देश की स्वतंत्रता को मनाया है। ये एक छुट्टी नहीं है, ये दिन जो मार्टियर्स हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया देना चाहूँगी। इसी के साथ जय हिंद। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सब यूं रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रेजेंटिंग टू यू ऑल अ म्यूजिकल प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल। अपने जुड़वे भाई कुश को पत्र लिखते हुए, जिंदगी खतरे में है, रोज गोलियां झेल रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। डियर कुश, हमें बात किए काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है, कैसे हो तुम? अभी भी टाटा में काम कर रहे हो या कोई नया जॉब ढूंढ लिया है? तुम्हारा बैंक ऑफ पंजाब का इंटरव्यू कैसा रहा? कमांडो कोर से वापस आने के बाद मैं अपनी पुरानी लोकेशन पर 3 महीने रहा। तुम न्यूज़ तो सुन पड़ रहे होगे कि यहाँ माहौल गर्म है। मैं 15,000 फीट की ऊँचाई पर बैठा हूँ, पाकिस्तानियों से लड़ रहा हूँ। सुरक्षा के कारण जगह का नाम नहीं बता सकता, पर जिंदगी खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हर रोज गोलियाँ और आर्टिलरी शेलिंग झेल रहा हूँ। आज का दिन बहुत ख़राब रहा, मेरे बटालियन के एक अफिसर शहीद हो गए, इसलिए सभी यहाँ दुखी हैं। बाकी सब तो ठीक है। कुछ तुम मम्मी पापा का ध्यान रखना, क्योंकि मैं कह ही चुका हूँ यहाँ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं मैं कब वापस लौटूँगा। सभी को मिस कर रहा हूँ, मुझे जवाब लिखना, तुम्हारा लव। धन्यवाद, जय हिंद। मैं जब भी अचानक अपने पिता को पत्र लिख रहा हूँ कि पूजिए पिताजी, आप मेरी मौत के बारे में मत सोचिए, मौत की कैसी चिंता, आप हर रोज चारों को एक कहानी सुनाया करिए महाभारत की, जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।
पांडे आज अपने दोस्त को पत्र लिख रहा हूँ। डियर पवन, जितने लोगों को हो सके मेरा ये पत्र पढ़कर सुनाना। मुझे तुम्हारे दोनों पत्र मिले, दोनों लड़ाई के बीच में ही मिले। दुश्मन बंकर में छिपे हैं और हम खुले में हैं। दुश्मन पूरी प्लानिंग के साथ आया है और वह ज्यादातर चोटियों पर कब्जा कर चुका है। शुरुआत में हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब हालत नियंत्रण में है। मैं खुद 4 बार मौत का सामना कर चुका हूँ, शायद कुछ अच्छे कर्म के कारण आज भी जिंदा हूँ। हर दिन हमें देश भर से चिट्ठियाँ मिल रही हैं, इसमें लिखा है जस्ट डू इट। ये देखने में सचमुच अच्छा लग रहा है कि जरूरत और मुश्किल के वक्त हमारा देश एक हो जाता है। मैं नहीं जानता अगले ही पल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें और देश को भरोसा दिलाता हूँ कि हम दुश्मनों को ढकेल देंगे। इस ऑपरेशन ने इतना कुछ सिखाया है कि उसकी गिनती नहीं। इंडियन आर्मी सचमुच अद्भुत है, वह कुछ भी कर सकती है। यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। यदि सूरज निकल आए तो दिन ओके हो जाता है। रात में बहुत ठंड होती है, -5 डिग्री। एक रिक्वेस्ट है, मेरे भाई को उसके अहम समय पर गाइड करना। सभी दोस्तों को मेरा हेलो कहना। जब मैं लौटूंगा तो हमारे पास कई सारी बातें होंगी करने को। फिर बात करेंगे। तुम्हारा मनोज। धन्यवाद। जय हिंद। On the eve of independence, Pandit Nehru, our very first Prime Minister, said, and I quote, "We end today a period of ill fortune and India discovers herself again." The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity for the greater triumphs and achievements that await us. Next, we have a dance drama echoing the above sentiment in Vakti Awaz by the students of the senior, junior, and the middle school. हिमसे मंडित इसका भाल, पर्वत नदियों गांव नगरों से शोभित मेरा देश विशाल। फिर आ गए तुम लोग? हाँ बाबा, आज फिर सुनाओ एक और कहानी। क्या सुनाओ तुम्हें कहानी? एक था राजा, एक थी रानी। नहीं, हमें नहीं सुनी राजा रानी की कहानी, हमें सुनाओ अपनी आंखों देखी अपनी जुबानी।
अच्छे थे पहले के दिन, जब था भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में था प्यारा। कितनी खुशी और कितना प्यार था पहले के उन लोगों में, क्या आज भी उतना ही प्यार है आज के इन लोगों में? गुलामी सैकड़ों वर्षों की मिटा ना सकी हिंदुस्तान को, देश हमारा संस्कृति हमारी, न सहेंगे अब किसी अपमान को। भिन्न है भाषा हमारी, भिन्न हमारा धर्म है, भिन्न है जाति हमारी, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी शान है, यही हमारा मान है, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है। देश हमारा कहलाता था सोने की चिड़िया, करके खोज ज्ञान की चढ़ा स्मृति की सीढ़ियां। राम कृष्ण की भूमि यही है, यही हुए थे वीर कुणाल, आजाद करा इस भारत को उन वीरों ने कर दिया कमाल। विज्ञान ज्ञान की खोज में आता सारा संसार यहाँ, शल्य चिकित्सा और शून्य का आविष्कार भी हुआ यहाँ। खुशहाली और हरियाली फैली थी चारों ओर, ज्योति ज्ञान सम्मान की भी फैली थी चारों ओर।
दिन दी इसका दाग दिन नेता है हम जात के हिंदू है ना मुस्लिम देखा बच्चों ये धर्म के नाम पर लोगों की टांगे चीर देते हैं ये धर्म के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं ये धर्म के नाम पर लाशों की मंडी सजाते हैं उस दिन भी सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा था अपनी कलम दुबाते थे आजादी के परवाने
लिखा।